तो हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल विष्णु आपको स्वागत करता हूँ मेरे चैनल एवीटेक में। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में सैमसंग के नए स्मार्टफोन सैमसंग M20 के बारे में बताऊंगा। इसकी आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे, उसका क्विक रिव्यू करेंगे कि आपको इसमें क्या कुछ मिलता है और क्या कुछ इसकी परफॉर्मेंस है, क्या कुछ आपको इसमें स्टोरेज मिलती है, कैसे आपको इसमें कैमरा क्वालिटी है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इसी के क्विक अनबॉक्सिंग करूंगा और साथ में आपको इसके बारे में बताऊंगा कि क्या कुछ कैसा स्मार्टफोन है। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है सैमसंग का नया स्मार्टफोन सैमसंग M20। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं, तो मैं जल्दी से इसका डब्बा खोल लेता हूँ। या पहले से ही मैंने इसका डब्बा खोल रखा, क्योंकि अमेजोन से मंगाया तो कहीं फ्रॉड ना हो जाए, इसलिए मैंने पहले से खोल रखा है। यहाँ पर हम जैसे इसको खोलते हैं आप, तो आपको सबसे पहले ऊपर आपको एक मैनुअल बुक मिल जाती है, साथ में आपको ऊपर एक फ़ोन देखने को मिल जाता है। जैसे हम फोन को निकाल लेते हैं, साथ में आपको मैं फ़ोन को साइड में रख देता हूँ, पहले आपको दिखाता हूँ। तो आपको यहाँ पर कुछ मैनुअल बुक देखने को मिलती है, जिससे कि आप उसे पढ़कर सीख सकते हैं कि आपको फ़ोन के अंदर क्या क्या कुछ मिल जाती है। तो आप कुछ भी देख सकते हैं, आप पढ़ना चाहते पढ़ सकते हैं। वैसे मैं इनको साइड में रख देता हूँ और आपको इनको भी साइड में रख देता हूँ। और आप बात करें आपको उसमें, तो आपको एक चार्जर मिल जाता है जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। अब आपको इसमें कुछ लिखा हुआ तो है नहीं, लेकिन आपको इसमें एक चार्जर मिल जाता है। साथ में आपको इसमें USB केबल मिल जाती है, जो कि USB टाइप सी पोर्ट मिलता है। आप खुद देख सकते हैं, आपको इसमें USB टाइप सी पोर्ट मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आपको इसमें USB टाइप सी पोर्ट मिल जाता है। और बात की आपको इसमें, तो आपको सबसे बड़ी बात है कि भाई आपको इसमें फ़ोन भी मिल जाता है, तो बहुत ही बड़ी बात है। आपको साथ में फ़ोन भी मिलता है, तो अच्छी बड़ी बात मिल जाती है आपको। अब हम इसको थोड़ा सा फ़ोन को हम यहाँ पर इसको ऑन कर लेते हैं। तो मैं जल्दी से फ़ोन को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो फ़ोन है, आप उसका लुक देख सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं कि जो फ़ोन है बहुत ही काफ़ी अच्छी क्वालिटी में, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में पीछे आपको डबल रियर कैमरा मिल जाता है। आप खुद देख सकते हैं पीछे आपको फिंगरप्रिंट मिल जाता है। तो मैं जल्दी से इसको स्विच ऑन कर लेता हूँ। जो हमारा जो फ़ोन है वो बहुत ही जल्दी ऑन हो रहा है, तो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर वीडियो पॉज कर देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ से हमारा जो फ़ोन है वो ऑन हो चुका है। आप देख सकते हैं फोन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगाई दे रही है। तो हम यहाँ से चलते हैं सीधे, सेटिंग में इसकी। तो हम यहाँ से सेटिंग में चल जाती है। जैसे आप इसको सेटिंग को ऑन करते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी सेटिंग मिल जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको इसको अबाउट में चले जाते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं आपको उसमें। तो आप देख सकते हैं जो हमारा फ़ोन है वो ऑन हो चुका है। यहाँ पर बात करें आपको इसमें जो सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन की, तो आपको जो सॉफ्टवेयर मिलता है आपको इसमें एंड्रॉइड वर्जन की बात करें, तो आपको इसमें एंड्रॉइड वर्जन मिलता है, जो आपको इसमें आपको 8.0 और जो कि एंड्रॉइड वर्जन मिल जाता है, जो कि अच्छा एंड्रॉइड वर्जन, लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन है। वहीं बात करें आपको इसमें देख लेते हैं इसका, आपको जो कि आपको इसमें बहुत सारे बिल्ड नंबर मिल जाते हैं, सर्विस इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और जिसकी एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैनल की बात करें, तो आपको इसको जो लेटेस्ट आपको इसमें 1 जनवरी को आपको इसमें एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैनल मिला हुआ है। और बात करें आपको इसमें बहुत सारे सैमसंग एक्सपीरियंस वर्जन 9.5 को मिल जाता है। और आप यहाँ पर चलते हैं हम यहाँ से बैक इसमें, और आपको बात करते हैं इसमें आपको क्या कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब हम यहाँ से चलते हैं इसकी स्टोरेज में। तो यहाँ पर डिवाइस मैनेजमेंट पे चले जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी इसकी जो अभी परफॉर्मेंस है अभी 99% दिखाई दे रही है। यहाँ से हम बैटरी की बात करें, तो आपको इसमें जो बैटरी होती है अभी 53% चार्ज है। और बात करें आपको इसमें मैक्सिमम की, तो आपको इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट तो मिल जाता है। यहाँ से जाते हैं हम इसकी स्टोरेज में, तो जो ये फ़ोन है ये 3GB रैम और लगभग आपको 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी हमारी जो 10GB रैम भरी हुई है, बाकी रैम आपको इसमें 21.2GB आपको इसमें रैम खाली मिल जाती है। आप देख, थोड़ा मैं आपको फोकस करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर, वही बात करें आपको इसमें और दूसरे इन्फॉर्मेशन की, तो आप यहाँ पर डिवाइस सिक्योरिटी की बात करें, आपको बहुत से अल्ट्रा मेमोरी की बात करें, तो आप यहाँ देख सकते हैं आप जो आपको मेमोरी है इसकी रैम जो 1.6GB यूज की हुई है। साथ में अभी आप यहाँ पर चलते हैं हम इसमें फेस अनलॉक और इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें कि आपको कैसे आपको इसमें यूज होता था। यहाँ चलते हैं लॉक स्क्रीन में, यहाँ से चल अगर आप हम फेस अनलॉक की बात करते हैं, तो यहाँ पर स्क्रीन लॉक टाइप में चल जाती है। आपको ऊपर आप नीचे दिखाई दे रहा है आपको फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट। तो हम सबसे पहले फिंगरप्रिंट को ऑन करते हैं, यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। जैसे हम कंटिन्यू करेंगे, तो हम पहले हमें पिन लगाना पड़ता था, हम कुछ भी पिन लगा देते हैं। जैसे कि मैं लगा देता हूँ यहाँ पर कुछ भी, जल्दी से हम कुछ भी कर देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर पिन लगा देता हूँ 1 2 3 4, डन कर देता हूँ 1 2 3 4। तो आप देख सकते हैं हमारे फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ पर जल्दी से फिंगरप्रिंट को ऑप्शन को क्लिक कर लेता हूँ। मैं चारों तरफ से उसके फिंगरप्रिंट को ऑप्शन को क्लिक कर लेता हूँ, तो हमारा जो फिंगरप्रिंट है वो ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर बात करें हम थोड़ा फिर से एक बार ये और ट्राई करना है हमको, तो मैं यहाँ पर फिर से ट्राई कर लेता हूँ। तो हमारा जो फिंगरप्रिंट है वो अच्छे तरीके से लग चुका है। यहाँ से हम आ जाते हैं बैक आपको उसमें, फिर से चले जाता हूँ आपको मैं यहाँ पर जो मैं 1 2 3 4 नेक्स्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर आता आप उनको फेस अनलॉक ऑप्शन, तो यहाँ पर फेस अनलॉक जैसे मैं ऑन करता हूँ, मुझे फेस दिखाने के कह रहा है, तो यस
यस कर देता हूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ। जैसे आप देखेंगे तुम्हारे मेरा जो फेस है वो आ चुका है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो मेरे जो फेस है वो लगभग 80% कंटिन्यू हो चुका है, कंटिन्यू करना मुझे। और यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं जो मेरा फेस है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और ओके कर देता हूँ मैं यहाँ से। अब यहाँ पर बात की आपको इस फोन में देख चले जाते हैं अपन, मैं आपको फिर से बंद करता हूँ। और जैसे मैं इस स्मार्टफोन को अपनी तरफ करता हूँ तो आप देख सकते हैं ऑन, मेरे जैसे ही मैंने फ़ोन को का जो पावर बटन ऑन किया वैसे ही जो स्मार्टफोन काफ़ी तेज़ी से ऑन हो चुका। अब मैं आपको फेस दिखा देता हूँ, जैसे मैं इसको अपनी तरफ देखकर ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं इतना फास्ट जो फेस है वो काफ़ी फास्ट है और अच्छी मिल जाता है। अब यहाँ पर बात करें आपको फिंगरप्रिंट की, तो जैसे मैं इसमें फिंगरप्रिंट क्लिक करता हूँ एक बार, आप देख सकते हैं जैसे मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हैं जैसे मैंने क्लिक किया फेस अनलॉक खुल जो कि फिंगरप्रिंट खुल जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों ही आपको अच्छे मिल जाते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आपको इसमें कैमरे क्वालिटी की, तो हम चले जाते हैं यहाँ से सीधे इसके कैमरे में। तो मैं यहाँ से कैमरे को ऑन कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं जो हमारी कैमरा क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी। यहाँ पर बात करें ओके कर देता हूँ, टर्न ऑन कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं जो इसकी क्वालिटी है आपको बहुत सारी ऑप्शन मिल जाती है। तो मैं यहाँ से इसके पहले आपको जो फ्रंट कैमरा है वो ऑन कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं जो हमारा जो फ्रंट कैमरा है वो ओपन हो चुका है, हमारा जो फ्रंट कैमरा वो ओपन हो चुका है। आपको देख सकते हैं यहाँ पर फ्रंट कैमरा ओपन हो चुका है। और हम अगर इसकी क्वालिटी की देखते हैं आपको यहाँ पर बहुत सारे ब्यूटी मोड बहुत सारे मिल जाते हैं ऑप्शन, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको स्टिकर मिल जाती है, आप स्टिकर पर क्लिक करेंगे तो आपके लगाने के लिए आपको बहुत सारे स्टिकर मिल जाएंगे। आपको देख सकते हैं आपको बहुत सारे स्टिकर भी मिल जाते हैं। यहाँ पर लाइव फोकस की बात की तो आप इसमें ब्लर मोड में भी करेंगे, मतलब ब्लर मोड में फोटो खींच सकते हैं। आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ से एक फोटो क्लिक कर लेता हूँ, आप यहाँ पर देखिए फोटो क्वालिटी की, तो यार फोटो क्वालिटी आपको ठीक ठाक मिल जाती है, इतनी अच्छी नहीं मिल पाती लेकिन आपको ठीक ठाक क्वालिटी मिल जाती है, अच्छी तरीके से ब्लर मोड काम कर रहा है। वहीं देख लेते हैं हम यहाँ पर, फिर हम फ्रंट कैमरे को ओपन कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि मैं अगर इसकी क्लिक करता हूँ फोटो और हम क्लिक कर लेता हूँ, साथ में आपको उसमें लाइव फोकस के आप ब्लर मोड में देख लेते हैं अपन, तो मैं यहाँ पर आपको दोनों फोटो क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो आपको रियर कैमरा है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है। कि आप कैमरे की बात करें आपको यहाँ पर, तो आपको जिसमें रियर कैमरा मिलता है आपको वो अच्छी क्वालिटी का मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपको जो कैमरा आपको 13 मेगापिक्सल, साथ में आपको दूसरा सेकेंडरी कैमरा है आपको वो आपको 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है, फ्रंट कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है। तो कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ठीक ठाक क्वालिटी कैमरा क्वालिटी। यहाँ पर बात करें आपको इसमें बहुत सारी ऑप्शन की, तो आपको इसमें बहुत से फेस अनलॉक मिल जाता है, फिंगरप्रिंट मिल जाता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। बैटरी की बात करें तो आपको इसमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है, काफ़ी अच्छी बैटरी मिल जाती है। तो यह था सैमसंग M20 का अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों आपने देखा सैमसंग का नया स्मार्टफोन सैमसंग M20 का क्विक रिव्यू, छोटा सा रिव्यू। और जो स्मार्टफोन है काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, जिसकी जो स्मार्टफोन 3GB RAM के साथ आता है, इसमें आपको जो 3GB RAM की प्राइस की बात करें तो आपको 11,200 रुपये के आसपास मिल जाता है, आपको 290 रुपये के आसपास। वही बात करें आपको प्रोसेसर की, तो आपको उसमें Exynos का प्रोसेसर मिल जाता है, काफ़ी अच्छा पावरफुल प्रोसेसर मिल जाता है। आपको रियलमी डुअल कैमरा मिल जाता है, फ्रंट में आपको सिंगल कैमरा मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का, आपको इन्फिनिटी वी टाइप डिस्प्ले मिल जाता है आपको, जो काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है। इसमें आपको बात करें आपको फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक भी काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो बात करें इस प्राइस में तो काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है सैमसंग ने, इस बार कुछ अलग किया है। जो सैमसंग की M3 सैमसंग M10 M20 और M30 काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, आप लेना चाहिए तो ले सकते हैं, मेरी तरफ से काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। और सभी जो बड़े बड़े यूट्यूबर की बात माने तो उन्होंने भी कहा कि काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, और मेरे खुद ने भी टेस्ट किया तो काफ़ी अच्छा चल रहा है स्मार्टफोन और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। तो आप इस फोन को लेना चाहिए तो ले सकते हैं। आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमेशा हमारे आपको हमारे चैनल पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और आपको मोबाइल अनबॉक्सिंग रिव्यू से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेगी।